भारतीय टीम के अफ्रीकी दौरे को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने उस दौरे में कौन कौन से मैचेस कब कब खेले जाएंगे उसकी घोषणा कर दी है। यानी कि जो पूरा शेड्यूल है वो आ गया। आपको बता देते हैं कि शेड्यूल आखिरकार जो है किस प्रकार का है। जैसा कि आप सबको हमने बताया था पहले अपने वीडियो के माध्यम से कि साउथ अफ्रीका में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से ही पहले टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है। पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में खेला जाएगा जो कि 26 से 30 दिसंबर के बीच में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग में होगा जो कि जहां पर पहला टेस्ट मैच होना था 17 दिसंबर से, वहां अब दूसरा टेस्ट मैच होगा जो कि खेला जाएगा 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में, जबकि तीसरा टेस्ट मैच 11 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में केप टाउन में खेला जाएगा। और उसके बाद आपको बता दें कि इन्हीं तीन जगहों पर यानी कि यही केप टाउन में ही आपको ओडीआई भी खेलना है। तो यहां पर टेस्ट मैच, उसके बाद दो ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे 19 और 21 जनवरी को पार्ल में, और फिर आखिरी जो ओडीआई होगा वो 23 जनवरी को खेला जाएगा केप टाउन में। यानी कि जो इटिनरी है वो आ चुकी है, इस समय जो शेड्यूल है उसकी घोषणा आप क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने कर दिया है। अब इंतजार है भारतीय टीम के घोषणा की कि आखिरकार उस दौरे पर भारतीय टीम का जो कंटिंजेंट है वो कितने मेंबर्स का जाता हुआ नजर आता है और ओडीआई कप्तान कौन होते हैं। लेकिन इस समय टेस्ट मैचेस और ओडीआई की जो शेड्यूल है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है।